शनिवार पर हुआ बड़ा खुलासा, सामने आया एक्सक्लूसिव वीडियो। यह परिवार संग छुपा था शनिवार, इजराइल ने जारी किया वीडियो। इजरायली सेना ने मारे गए हमास चीफ शनिवार का एक नया वीडियो जारी किया है, जो कि 7 अक्टूबर को इजराइल के हमले से पहले रिकॉर्ड किया गया था। शनिवार पिछले साल हुए इस हमले का मास्टरमाइंड था, जिसमें 1200 से अधिक इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी और इजराइल हमास के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी। ये वीडियो 6 अक्टूबर का है, जिसमें शनिवार को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक अंडरग्राउंड सुरंग में चलते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में उसे बंकर तक सप्लाई बैग ले जाते हुए देखा जा सकता है, जिसे बाद में इजरायली सेना ने खोज निकाला था। फुटेज शेयर करने वाले IDF प्रवक्ता नदव शोशानी ने लिखा है कि 7 अक्टूबर के नरसंहार से कुछ घंटे पहले शनिवार अपने नागरिकों के साथ सुरंग में छिपा हुआ था और अपने आतंकवादियों द्वारा की जाने वाली हत्याएं, अपहरण और बलात्कार देखने की तैयारी कर रहा था। इस्माइल हानिया के बाद जुलाई से हमास की कमान संभाल रहा शनिवार इजराइल के सबसे बड़े टारगेट में से एक था। 17 अक्टूबर को राफा में इजरायली सैनिकों के साथ मुठभेड़ में उसे मार दिया गया था। IDF ने पिछले सप्ताह शनिवार का एक वीडियो जारी किया था, जो उसके मरने से कुछ देर पहले रिकॉर्ड किया गया था। इस ड्रोन वीडियो में वो घायल हालत में कुर्सी पर गिरा हुआ और धूल से सना हुआ नजर आ रहा था। उसके दाहिने हाथ से खून बह रहा था। हमास ने अपने नेता शनिवार की मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि वो 7 अक्टूबर को जब्त किए गए बंधकों को तब तक रिहा नहीं करेंगे, जब तक कि गाजा में आक्रामकता समाप्त नहीं हो सकती। इजराइल हमास युद्ध पर तमाम अपडेट के लिए बने रहिए पत्रिका के साथ। मैं हूँ आपके साथ कृपाशंकर शर्मा।